हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल चटपटी चटोरी रसोई। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत इजी रेसिपी है, इजीली आप उसे बना सकते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है, जो घंटी का बटन है, प्लीज उसे याद से प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी वीडियोज की नई अपडेट, नई नोटिफिकेशन आपको इजिली मिल सके, सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल चटपटी चटोरी रसोई। चटपटी चटोरी रसोई में आज बनने वाला है कुछ चटपटा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं जोधपुरी मिर्ची वड़ा। जोधपुरी मिर्ची वड़े जो है खाने में बहुत टेस्टी, अमेजिंग और डिलीशियस होते हैं और बनाने में भी बहुत आसान होते हैं। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है इनका, बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है ये मिर्चें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिर्ची वड़ा की रेसिपी। यहाँ पर सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें एक कप जो है बेसन डालेंगे। मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर, और यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसे हाथों से जो है क्रश करके डालेंगे हम। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक जो है थिक सा जो है बैटर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल जैसा हम ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए बैटर रेडी करते हैं ना, वैसा ही हमें जो है रिबन कंसिस्टेंसी का जो है बैटर रेडी करना है। इसे अब हम साइड रख देते हैं। यहाँ पर मैंने जो है बॉयल 4 आलू लिए हैं इस तरह के, मीडियम साइज़ के जो है। इसे हाथों से अच्छे से आप क्रश कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इसे जो है कद्दूकस भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसे मैश कर लिया है। यहाँ पर मैंने जो है इस तरह की मोटी वाली मिर्ची ली है, देखिए इस तरह की। इसे हम जो है चाकू की हेल्प से या किसी भी नाइफ की हेल्प से जो है अच्छे से बीच में से स्लिट कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसके बीज को जो है ना निकाल देंगे। आप जो है स्पून के पीछे के हिस्से से इसे जो है अच्छे से क्रश कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। सभी जो सीड्स हैं, इसके बीज हैं, उसे हम रिमूव कर देंगे। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं लगती है मिर्चें, ये देखिए इस तरह से जो है सभी मिर्चों को मैंने ऑलरेडी स्लिट कर दिया है। ये देखिए सभी मिर्चें जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल, आप कोई भी ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं, और कुछ सूखे मसाले लिए हैं। इसमें 1/2 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लिया है मैंने मीठी सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हींग। सबसे पहले ऑयल गरम होते ही हम उसमें ऐड करेंगे जीरा और मीठी सौंफ और उसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। देखिए फ्लेम को मीडियम रखिएगा। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर जो है गार्लिक डाला है, आप इसे क्रश कर सकते हैं या फिर चॉप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब यहाँ पर हम जब भी सभी जो सूखे मसाले हमने लिए हैं उन्हें ऐड कर देंगे और उन्हें अच्छे से स्टर करेंगे। 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर हींग डाल रही हूँ, हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हमने जो ये सूखे मसाले ऐड किए हैं ना वो बिल्कुल भी जले नहीं। उन्हें अच्छे से स्टर करते रहिए, फ्लेम को मीडियम रखिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं। यहाँ पर मैंने ऐड किया 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड, जिसे हम नींबू का सत, नींबू का फूल या फिर टाटरी भी कहते हैं। इजीली जो है मेडिकल स्टोर पर भी ये इजीली अवेलेबल होती है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर जो है हम बॉयल्ड आलू जो है मैश किए हुए वो ऐड कर देंगे। अगर आप सिट्रिक एसिड नहीं डालना चाहते हैं तो आप 1 टेबल स्पून या 1 या 1.5 टेबल स्पून जो है नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बारीक चॉप किया हुआ धनिया मैंने इसमें ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया है और उसे इसमें अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है। जी हाँ, हमें प्याज जो है ये बाद में डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे जो है 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम कुक कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जो है शुगर, चीनी। जी हाँ, इससे ये बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा लेकिन सारे फ्लेवर को अच्छे से बैलेंस करेगा, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है इसका। हम जो ये मसाला रेडी कर रहे हैं ना, ये बहुत टेस्टी बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ये देखिए मैंने ऑलरेडी जो है कुछ मिर्चें भर ली हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से जो है मिर्ची को बीच में से खोलकर हम जो है इस मसाले को इसमें इस तरह से फिल कर देंगे, ये देखिए, और उसे हल्के हल्के जो है प्रेस करते जाएंगे ताकि अच्छे से जो है हमारी मिर्ची अच्छे से फिल हो, ये देखिए। इसी तरह से हम जो है सभी मिर्ची को अच्छे से जो है फिल कर लेंगे।
बीच में से इसे खोलेंगे और हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हमने जो ये आलू का मसाला बनाया है उसे जो है इसमें फिल कर देंगे। और हमारी सभी मिर्ची जो है इस तरह से रेडी हो गई हैं। अब हमने जो बैटर बनाया था बेसन का, उसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा, ये खाने वाला सोडा है, इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ज़रूरी है डालना, इससे ही जो है बहुत ही फ्लॉपी हमारे जो है मिर्ची वड़े बनेंगे। अब जो है एक एक मिर्ची लेंगे और इसे इसमें जो है अच्छे से डिप कर लेंगे। किसी स्पून की हेल्प से हम जो है इसके ऊपर इस तरह से बैटर ऐड कर देंगे। ये देखिए ऑयल जो है मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया है। मीडियम हॉट ऑयल में हम इसे जो है एक एक करके डालते जाएंगे और फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक एक करके हम सभी जो है मिर्ची वड़े इसमें ऐड कर देंगे और इसे जो है मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। जैसे ही ये एक साइड से जो है गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं, हम इन्हें जो है फ्लिप कर देंगे और इसे दूसरी तरफ से भी जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, ताकि ये दोनों साइड से जो है बहुत अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए हमारे जो मिर्ची वड़े हैं वो दोनों साइड से बहुत अच्छे से जो है गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ये देखिए दूसरी तरफ से भी मैंने इसे जो है फ्लिप कर दिया है। अब दोनों तरफ से ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे जो मिर्ची वड़े हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हैं और बहुत अच्छे लगे हैं। अब इन्हें जो है हम बीच में से दो हिस्सों में कट कर लेंगे। ये लीजिए हमारे मिर्ची वड़े जो हैं बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे जो है हरी चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ, किसी के साथ भी जो है इंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत टेस्टी, यम्मी और डिलीशियस बनते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी।